नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक कुमार जायसवाल, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जहां होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो इधर हम आर्यन के बर्थडे के लिए एकदम तैयार हो गए हैं, आज ब्लैक शर्ट और जीन्स के साथ। और जीजा जी वही पुराने कपड़ों में फिर नज़र आ गए हैं। जैसे कि जीजा जी ने बताया कि हम जेंट्स का जो काम है कोई देखता नहीं है, वही पुराना घसीटा पपीटा जो भी पहन ले सब चल। और वही कपड़ा हम लोग चार पांच फंक्शन में पहन लेंगे ना, तो कोई ध्यान नहीं देगा। और लड़की अगर एक प्रोग्राम में पहनेंगे दूसरे प्रोग्राम पहनेंगे, भैया वही पुराना पहन रखी है। हम लड़कियों को हर समय हर फंक्शन हर त्यौहार हर चीज सबको नया नया चाहिए और नई नई चीजें चाहिए। कोई सूट हो, कोई साड़ी हो, कोई जैक हो, कोई वेस्टर्न हो, कोई इंडियन हो, तमाम तरह के ड्रेस लड़कियां यूज करती है, लेकिन लड़कों में क्या पहले नहीं ये देखो बच्चा सोनाक्षी मारी है। आप रही हैं सब एक से बढ़के एक अच्छा भैया। भी है देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो मैं नहीं खाया था सोनाक्षी, इसलिए ले यार मेरे चाय बचा था यार। ले सभी के लिए महामारी हो रही है। आज उसका बर्थडे है, खाने दो। सब लोग परेशान है, एक गुजिया एक लंगड़ौता में जो गांव से लेके आ गया हूँ ना, उसके लिए सब बच्चों में कहा सुनी और झगड़ा हो जा रहा है। अब क्या ही दिखा है मेरे लिए छूट है। दरवाजा बंद कर दो, मेरे लिए छूट है। तो यही सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है गुजिया ना, मैं बेकार ही लेके चला ये सब चीजें, नहीं लाना चाहिए था। लाना चाहिए था भाई, कम से कम 10-12 किलो लाते तब जाके ये रहता कि हाँ चलो भैया सबको हो जाए। भाई 1 किलो 1.5 किलो जो लाए है सोनाक्षी का डिमांड था, पर इतना टेस्टी नहीं लाना था। कितना टेस्टी है कि सब लोग एकदम निचोड़ निचोड़ के खा रहे हैं। तो जी जब पंखा थोड़ा चालू करिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा लग रही है क्या हम लोगों को। गर्मी है तो ज्यादा लगी भाई। हाँ चलो दोस्तों, बने रहो आप लोग ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोग से कुछ देर में। हमारा गुन्ना रेडी हो गया है और ये भी रेडी हो गए हैं। और गुन्ना के लिए प्यारा ड्रेस देखेगा आज मैंने लेके आया है, कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट करके। क्या गुन्ना कैसा है, अच्छा है? अच्छा है बाबू, अच्छा है बाबू। हमारा बाबू घर रेडी हो गया है। सब लोग तैयार हैं, बंदा जी तैयार हो रही है, तैयार हो रहा है, जिया तैयार हो रहे हैं। ये देखो ये देखो बादशाह का, देखो बादशाह का, देखो। अरे टपुरी तुम नहीं तैयार हो गई क्या सुनाची? इधर पेड़ पौधों में पानी डाल दिया गया है और इतने वृक्ष पेड़ पौधा लगा हुआ है पूरे फूल का किट्टो के रूम में। स्विमिंग यही चल रहा है और स्विमिंग बंद है, तो बारिश भी कुछ हुई है। भाई साहब इतना गर्मी है ना कि पूछो मत। छोटी क्या कर रही है उधर, किसको देख रही है? कैसे तैयार हो रहे हैं? चलो तैयार होने दो सबको। तो गाइस यहाँ देख सकते हो बन्ना दीदी और डीके जीजा और सभी बच्चे तैयार होके लेफ्ट में हम लोग आ चुके हैं। और हमारा लुक ये रहा, और कार्तिक को हमने दे दिया पन्नी क्योंकि ये मीटिंग करता है, तो हमने कहा चलो। तो यहाँ पे सोनाक्षी दीदी लोग कह रहे हैं मैं आऊँगी इस गाड़ी में, मैं आऊँगी उस गाड़ी में। बार बार आरओ भी इधर आने की कोशिश कर रहा है कार्तिक को लेके, ये सब आपस में डिस्कस चलती है कि कौन किस गाड़ी में जाएगा। तो फाइनली हम बन्ना दीदी और जीजा जी और आरओ ऋषभ और हमारा कार्तिक हम लोग लिफ्ट से नीचे जाते हैं। और यहाँ पे अभी तक डिस्कस ही चलता है कि और भैया मैं चलूंगा, भैया मैं चलूँ, सोचे कि मैं चलूंगी। ये हो रहा था ना कि जैसे कि वो कृतिक लेकर आ रहा था, कृतिक को दे दो जाकर उसके मम्मी को, तब तुम आओ इसमें। हाँ भैया, और लिफ्ट हम लोग का बंद हो गया, अब हम लोग चलते हैं नीचे। हम लोग निकल चुके हैं पार्टी मनाने के लिए। इधर जिया जी ड्राइविंग कर रहे हैं, दीदी आगे बैठी है बन्ना दी। और ये देखो हर बात पे रोना अगर सीखो तो ऋषभ से और आरव से, ये दोनों लोग बराबर होते हैं। और कार्तिक पन्नी लेके बैठा हुआ है। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक से एक सोसाइटी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे आप लोग पार्टी वगैरह कर सकते हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक अलग ही माहौल रहेगा। एवीएस सिटी स्क्वायर गाजियाबाद राजनगर बुकिंग ओपन
व्हाइट कैस्टल। जावेद हबीब भी है यहाँ पे, आके आप लोग शेविंग वगैरह मसाज वगैरह सब करवा सकते हैं आप लोग। एवरी किट्टो आई थी जावेद हबीब में करवाने के लिए यहाँ पे। तो चलो दोस्तों बने रहो ब्लॉग में, हम लोग पहुँचते हैं अपने मंजिल तक, वहाँ पे विजय भाई भी आ जाएंगे अभी कुछ ही देर में, फिर तो यहाँ लोग से मुलाकात कराते हैं और केक कटिंग वगैरह सब अपने इसी ब्लॉग के अंदर तक दिखाएंगे हम। और आज का लुक हमारा कैसा रहा आप लोग जरूर बताना। बिल्कुल हमारा भी लुक बता देना, दीदी हंस रही है। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे जहाँ पे ऋषभ का बर्थडे मनाया गया था, ढाबा रेस्टोरेंट। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है तो इसी रेस्टोरेंट में फिर से मनाया जाएगा आर्यन का बर्थडे। तो भी जीजा दीदी ये सब बच्चे गाड़ी में है और मैं उतर गया, थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ हम लोग को। ये लोकेशन है, ये RDC है गाजियाबाद में। बाबू जाओ गाड़ी में बैठो, जाओ कार में बैठो, जाओ चलो कार में बैठो, चलो जाओ बाहर नहीं आते, जाओ जाओ। तो यही वो जगह है गाइस, आप लोग को दिखा दिया, बाकी अभी कोई नहीं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ पे इंतजार हो रहा है अमित किट्टो, पूनम दीदी, विनय कोमल का, वो तो सब लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग चलेंगे। अंदर भी बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अंदर अभी नहीं गए हैं, सब लोग का वेट कर लेते हैं, एक ही साथ अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ रील्स वगैरह अगली बार जब हम आए थे ऋषभ के बर्थडे तो बनाए थे, इस बार दो चार रील्स वगैरह बनाते हैं, तो आपको इंतजार कर लेते हैं। बाकी आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं। तो सब लोग आ गए यहाँ पे, सब लोग बैठ गए टेबल लेके, यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। कृतिक बाबू ना, तो सब लोग टेबल बैठे हुए हैं, नाश्ता पानी भी आ रहा है। क्या क्या ऑर्डर दिए बना दीदी? नहीं अच्छा वही दीजिए। क्या जिया जी, बच्चे जो खाएंगे वही ऑर्डर दिए हैं और क्या? हाँ बच्चों का पार्टी है, बच्चे लोग थे, हाँ बहुत ज्यादा हो गया था। अगली बार तक हम लोग अगली बार खाना भी नहीं खाए थे हम लोग। गुन्ना सब लोग मस्ती करें, नाच जा रहे हैं, और चलो हम आते हैं कुछ देर में मिलके सभी लोगों से। नाश्ते में सिर्फ कॉर्न वगैरह आ गया है, और क्या था दीदी इससे पहले क्या खाते जी हम लोग? और मलाई चाप भी खाया, पहले दही छोले थे, दही छोले भी आया था, कहाँ था भाई? दही छोले पे मेरे पास भेजना, तो दही के छोले बताओ, दही छोले सब लोग खा लेंगे, पता ही नहीं है। दही छोले दही भेजा लाना, यही है क्या दही छोले? इधर लाइए, इधर लाइए, रखिए भैया लेके आ रहे हैं। ये है दही छोले, दही के छोले, दही के छोले, अच्छा दही छोले सुने, तो ये रहा दही के छोले और सब लोग खा रहे हैं। तो गाय यार पहली बार अभी का हमारे पास बैठी है, इन्हें प्यार से, कहाँ जाओगी बाबू कहाँ जाओगी, पहली बार मेरे पास इतनी बैठी है प्यार से, और क्या कर रही हो? इधर विनय और कोमल आ गए इधर दोस्तों, और बाबू बाबू कहाँ जाओगी बोलो ना, बोलो कहाँ जाओगी, बाहर बाहर जाओगी, कुछ खाओगी कुछ खाओगी? हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, पहली बार आई है मेरे पास। यहाँ पे आने का केक कट रहा है गाइस, देख सकते टू यू कैमरा साइड हो जाओ। अरे यार खालो भैया और खालो पूरा खालो, पहले जब फोटो ले ले। ओ भाई पहला गिफ्ट अमित की तरफ से, क्या बात है क्या बात है, सोने का चैन है भैया, लाखों का है, लाखों का चैन है। पेमेंट होने के बाद खाना पीना खाने के बाद भैया का पेमेंट हुआ है इतना, तो हो गया पेमेंट यहाँ पे, चलो चलते हैं ठीक है।
तो पेमेंट हमने करवा दिया है, यहाँ पे सब लोग खा चुके हैं। चलो 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 चलो, लेकिन क्या बात कर रहे हैं जी बहन से? मैं बोल रहा हूँ सब कुछ बोल दो इनको, लेकिन बता देते हैं गाइस बर्थडे वगैरह केक वगैरह और बिल वगैरह सब कुछ हो चुका है और हम लोग अब यहाँ से होते हैं घर जाने के लिए। तो विनय कुमार चले जाएंगे दिल्ली, क्योंकि उन लोग वहाँ जाएंगे और ये जा रहे हैं और तबीयत एकदम ध्यान देना, ठीक है? अगर तबीयत अच्छा नहीं होगा बने रहो। यहाँ बच्चे लोग गुब्बारा दिलवा दिया हूँ। चलो 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 ले लो उसका। चलो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, बाकी क्या करते हैं? चलो चलो सब लोग रील्स भी बना रहे हैं। क्या करें क्या करें क्या करें यहाँ जैसे कहो क्या करेंगे मिट्टी? जाए मिट्टी दिल्ली तो यहाँ पे होने वाला है फैमिली फोटो। चलो फैमिली फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फोटो खिंचवाया जाता है। चलो सब लोग जा रहे हैं। चलो बाय बाय। मम्मा खो गई तुम्हारी, मम्मा खो गई। तो यहाँ पे रील्स वगैरह बन रहे हैं। चलो जाओ जाओ जाओगे चलोगे? इसका मन नहीं लगता। जाओ आंटी पास चले जाओ जाओ नहीं जाओगे छोड़ दो सोनाक्षी, उसको छोड़ दो जाए वो। यहाँ ही नहीं है जब से आई है मेरे पास। अच्छा